उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अब जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, और इस वक्त जो है उनके घर पर जैसे ही ये मैसेज पहुंचा कि उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, तो यहाँ पर बधाई देने वालों का जो ताता लगा हुआ है आप देख सकते हैं। इस वक्त बधाई संदेश देने के लिए कार्यकर्ता हो या मोहल्ले के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हो रहे हैं। उनकी बेटी हमारे साथ है आकांक्षा, उनसे बात करेंगे। मैम, आज जिस तरीके से जो मैसेज आया, मोहन यादव जी रात दिन मेहनत करते थे, उनने विधायक की करी है, साथ ही संगठन के लिए बहुत काम किया है, तो कैसे आपको लग रहा है आज? बहुत गर्व की बात है उज्जैन सिटी के लिए, एक बेटी के लिए, इससे अच्छी खुशी की और कोई बात हो नहीं सकती है भैया। इससे खुशी की बात आज तक कभी सुनी भी नहीं है। आप बचपन से देखते आ रहे हैं, रात दिन उन्होंने मेहनत की है, कई कई दिनों तक घर नहीं आते थे। जी बचपन से ही, जब मेरा बेटा है अभी 8 महीने का, इतनी बड़ी मैं जब से थी तब से ही एक कहावत ये सुनी है कि क्योंकि मैं जब सोती थी तब पापा घर से निकल जाते थे, और जब मैं रात को सुबह सोती होती थी तब निकल जाते थे, और रात को जब मैं सोई हो रही थी तब पापा आते थे। तो किसी एक रिलेटिव ने पूछा कि बेटी चलने लगी क्या, उन्होंने बोला कि मैं देखा नहीं उसको कि वो चल रही है, कि क्या करती है मैं पूछ के बताऊंगा कल, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो वो सोई रहती है। आज आपके खुद के बच्चे का जन्मदिन है, और बच्चे के जन्मदिन पर इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनकी जो इतनी वर्षों की मेहनत है वो रंग लाई है। ये उनकी बेटी है, हमारे साथ में और भी है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आपको जैसे ही पता चला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, सभी के लिए है, पूरे उज्जैन वालों के लिए है कि हमारे उज्जैन से ही कोई आपके बीच आपका अपना कोई सीएम बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, महाकाल बाबा की बहुत कृपा है। ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि परिवार में जो माहौल है, उनके घर में गुलदस्ता देकर हार पहनाकर जो है बधाई संदेश दिया जा रहा है, महिला मंडलों का जो है ताता लगा हुआ है, बड़े उत्साह के साथ जो सेल्फी भी ली जा रही है, गुलदस्ता भी दिया जा रहा है, और खुशी बनाई जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं उनकी जो मोहन यादव की जो पत्नी है हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से जैसे ही ये खबर आई तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, इतनी खुशी हुई सबको। आपने उनके साथ में आपने शादी करी, शादी के बाद से लगातार वो रात दिन राजनीति करते आए हैं, कई दिनों तक घर नहीं आते थे, बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाए वो कई दिनों तक, तो कैसा सफर रहा उनका? बहुत मेहनत करी, मेहनत का फल महाकाल बाबा ने दिया है, जो बहुत अच्छे से निभाएंगे, वो आगे भी सेवा करेंगे। आप उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, जिस तरीके से आपने उनके राजनीति करियर में जो कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया है, आपने अपने बच्चों को पालने का काम किया, उन्होंने जो देश की जो जनता है और जो क्षेत्र के जो जनता है उनकी सेवा में समय बिताया है, दोनों में बहुत फर्क है, और उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हमने अपने घर का दायित्व तो निभाया, उन्होंने देश की सेवा करी है, दोनों ने अच्छे से काम किया, महाकाल बाबा ने उसका आशीर्वाद दिया है, जो अच्छे से करेंगे हम उसका पूरी सेवा। आज जो है इतना बड़ा मुकाबला और अब इसको आगे कैसे देखते? उसी का ठिकाना, अच्छे से करेंगे, अभी से अभी भी करें और करते भी रहेंगे आगे चल के। अच्छा, आप बताइए, आप जो है बधाई देने आए हैं यहाँ पर, जैसे ही आपको पता लगा तो कितना? अब हम लोग तो मतलब बयान नहीं कर सकते है सर की कितनी खुशी हुई, अपने उज्जैन का व्यक्ति राजा बन गया, और क्या चाहिए सर, और मोहन जी जैसा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, मतलब इतने मतलब बहुत सौम्य सभ्य, काफी अच्छे, मतलब बहुत खुशी है कि अपने उज्जैन से ताजपोशी हुई। सबसे बड़ी ये परिवार के लोग हैं, और ये जान पहचान, रिश्तेदार, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बधाई संदेश दे रहे हैं, और उज्जैन के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उज्जैन के एक जो उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश में, उनको अचानक पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक उज्जैन वासियों के लिए, साथ ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी एक चौंकाने वाला ये संदेश था पार्टी की तरफ से। और अब जो है जिस तरीके से परिवार वालों में जश्न का माहौल है, प्रदेश में माहौल जो आतिशबाजी की जा रही है, जगह जगह पार्टी कार्यालयों पर जो है मिठाई बांटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अब देखना यह है कि उच्च शिक्षा मंत्री और जो थे मोहन यादव अब जो है मुख्यमंत्री हो गए हैं, और अब कितना वो विकास कार्य उज्जैन के लिए करते हैं, प्रदेश के लिए करते हैं, अब उनके लिए रहा, और अब जो है अब आगे देखने वाली होगी। उज्जैन से झपटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
आपने कभी सोचा था बाबूजी के मोहन यादव जी एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे कभी? जनता पार्टी मुख्यमंत्री बने बड़ी खुशी की बात है, सारी जनता की खुशी, इस खुशी में खुशी है परमात्मा की मेहरबानी।